हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके लिए सितंबर का जो महीना है इसमें आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है ये जो मंथ है ये आपके लिए कैसा हो सकता है कौन सी खुशियाँ लेकर आपके लिए ये मंथ आया है ठीक है तो यहाँ पर चार नंबर हैं बहुत ध्यान से आप हर एक नंबर को देखिएगा और मन में प्रार्थना करने के बाद उस इच्छा के बारे में सोचिएगा जो आप चाहते हैं इस महीने से कि वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए ठीक है ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको कोई एक नंबर चुनना है बस आज की रीडिंग के लिए दो नंबर नहीं बस एक ही नंबर चुनिएगा चाहे जो भी नंबर आपको पसंद आए फिर आप देख सकते हैं कि आपको इस महीने यानी कि सितंबर के महीने में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है एक बात का ध्यान रखिएगा ये एक तरीके की जनरल रीडिंग होती है सभी के साथ नहीं कनेक्ट हो सकती है अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं आपकी चॉइस है ठीक है अब वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी आपसे हंड्रेड वन परसेंट कनेक्ट हो जाए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं आइए जानते हैं सितम्बर के महीने में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी वन टू थ्री फोर आपके सामने यहाँ पर चार नंबर्स हैं बहुत ध्यान से देखिए प्रार्थना कीजिए ईश्वर से आप जो चाहते हैं वो आपको इस महीने से मिल जाए नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर फोर तो आपके सामने अब यहाँ पर चार कार्ड्स आ चुके हैं आपने जो नंबर चुना था बस उसी नंबर की रीडिंग को देखिएगा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर फर्स्ट आइए जानते हैं जिसने भी पहला नंबर चुना है उसके जीवन में कौन सी गुड न्यूज़ आने जा रही है टेन ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है इतना सारा ज़्यादा काम आपको इस मंथ इस महीने आपको मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया आपकी तरक्की होने वाली है इस मंथ इस मंथ मतलब बहुत पॉजिटिव समझिएगा वैसे तो एक इस कार्ड का मतलब मतलब ज़्यादातर आपको लगेगा कि बहुत बोझ हो गया ये तो बहुत ज़्यादा काम हो गया मुझे तो आराम नहीं मिल रहा है मैं आराम कैसे करूँ इतना ज़्यादा वर्क लोड होगा आपके ऊपर लेकिन ये वर्क जो है ना यही तो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा ना ये जो काम आपके लाइफ में आ रहा है ये जो आपका करियर है इसमें पढ़ाई है सब कुछ है एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके आप कोई काम करते हैं तो बिजनेस करते हैं तो तरक्की होगी तो उसमें आप ही का फ़ायदा है तो टेन ऑफ वॉन्ट की एनर्जी है जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा वैसा होता जाएगा इस मंथ आपके करियर में ठीक है अगर आपका ज़मीन से जुड़ा काम है तो बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ने वाला इस मंथ सितंबर के महीने में बहुत सारा काम आपको आपके पास रहेगा बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा आइए देखते हैं सितंबर के महीने में नंबर सेकेंड यानी जिसने भी नंबर दो को चुना है उनके लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी इस महीने से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं नंबर सेकेंड क्या कैसा रहने वाला है नंबर सेकेंड के लिए वी लव फॉर्च्यून की एनर्जी है ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी और ये आपके लिए आई है नंबर सेकंड तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा अभी ये जो कह रहे थे ना कि आपके लाइफ में चीज़ें बहुत बुरी चल रही थी तो वो समाप्त होने वाली हैं और गुड न्यूज़ आपके लिए मतलब बहुत सारी मिलेंगी ये गुड न्यूज़ नहीं है बहुत पॉजिटिव समय आपके लिए कहेंगे कि ये एक अच्छा जो चक्र है वो आपके लिए अब चलेगा यानी कि अब जो आने वाला वक्त रहेगा नंबर सेकंड यानी सितंबर का महीना आपके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएगा फिर चाहे वो आपके लिए करियर हो आपकी पर्सनल लाइफ हो जो भी कुछ है जो भी आप चाहते हैं कि चेंज हो जाए तो वो सितंबर के महीने में दिख रहा है ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए सितंबर का महीना लेकर आ रहा है आप जैसा चाह रहे थे वैसी चीज़ें होंगी इस मंथ तो आप चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए जो भी सोचिए बहुत पॉजिटिव सोचिए ये मंथ आपको वो सब कुछ देने वाला है जैसा आप चाहते हैं नंबर सेकंड ठीक है आइए देखते हैं नंबर तीन हमें क्या पता चलता है कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगे कि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है आज का टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा नंबर तीन आइए देखते हैं कि क्या है आपके लिए थ्री ऑफ मॉन्ट्स की एनर्जी है ये जो महीना है आपके लिए इंतज़ार का हो सकता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन अच्छी बात ये होगी कि सितंबर के महीने में आपको इतना तो माइंड में क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ होगी और वो चीज़ पॉजिटिव है आपके लाइफ के लिए आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है ये आपको भी पता है हो सकता है कि ये वीडियो आप सितंबर के बिल्कुल मतलब इतने समय में देख रहे होंगे सत्रह अठारह तारीख बीस पच्चीस छब्बीस तारीख ऐसे देख रहे होंगे जब ये महीना एंड होने वाला होगा ठीक है हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ इसे कनेक्ट होंगे नंबर तीन जो भी इस वीडियो को सुनना सुन रहा है थ्री ऑफ मॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है आप जैसा चाहते हैं वैसा तो होगा आपको भी पता है लेकिन कभी कभी होता है ना मन में विश्वास नहीं होता है तो ये विश्वास आपको सितंबर के महीने में मिलेगा और आप भी यकीन कर पाएंगे कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ होगी आपके लाइफ में तो आप उस पर काम कर पाएंगे अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपको इस मंथ में बहुत अच्छे से उस इंसान से मतलब माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति भी आपको पसंद करता है ठीक है आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो माइंड में ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी हाँ ये बिज़नेस आपके लिए ठीक है या पर्सन आपके लिए ठीक है आप इस मंथ मतलब कहेंगे कि ये मंथ आपके लिए विश्वास लेकर आएगा मन में जो भी हैं उसको लेकर और विश्वास बढ़ेगा आपका तो उसमें काम में आपका मन भी लगेगा थ्री तो ऑफ की एनर्जी है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल तो सही कर रहे हैं ऐसा विश्वास आप में आएगा नंबर तीन आइए देखते हैं नंबर चार हमें क्या पता चलता है कि आपके लिए ये सितंबर का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है क्या कुछ आप देख सकते हैं कैसी उम्मीद आप रख सकते हैं इस महीने से नंबर चार अगर आपने चुना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आपसे हमेशा कनेक्ट रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन नहीं मिलता है बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही लेकिन ऐसा है नहीं वीडियो मेरे लगभग लग डेली लग आते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी ठीक है बेल आइकन को क्लिक करके रखा कीजिए इसलिए नंबर चार चलिए आपके बारे में बताते हैं कि आपके लिए सितम्बर का मंथ जो है वो क्या है कैसा है आपके लिए देखिए ये महीना जो है ना वो गुड न्यूज़ इस तरीके से लेकर आएगा कि आप इस मंथ में बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दूर कर देंगे जो लोग आपके लिए आपको पता है मन ही मन आपको उन इंसान से चिड़ होती है फिर भी आपको उनके साथ रहना होता है ठीक है आपकी इच्छा नहीं करती अंदर से आप उनके खिलाफ़ बोल हो रहे होते हैं फिर भी आपको उनके साथ बातें करनी पड़ती हैं आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से अलग कर देंगे ठीक है और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर जाएंगे उस जोन में लेकर जाएंगे नंबर चार जहां आपको खुशी मिलती है जो चीज़ आपको करने में खुशी मिलती है आपको बहुत सारी भीड़ भाड़ के लोग पसंद नहीं है फालतू के लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगती होगी नंबर चार आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो ऐसा लग रहा था कि अभी तक आप ऐसी लाइफ जी रहे थे मतलब अभी तक नहीं कहेंगे बीच में कुछ समय ऐसा आपके लिए आया होगा कि मजबूरी में आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ रही है बातें करनी पड़ रही है, हैं उठना बैठना पड़ रहा है जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रहे हैं अंदर से तो जो सितंबर का मंथ है आप उन लोगों को अपनी लाइफ से छाटेंगे मतलब ये कहते हैं ना छटनी होती है ना जब कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की एक साथ नौकरियाँ चली जाती हैं उसी तरीके से देखिएगा तो यही मतलब है कि आप भी अपने लाइफ में से चीजों को हटाएंगे जो आपको पसंद नहीं है जिनके जिनसे बात करके आपको अच्छा नहीं लगता फिर चाहे उसके लिए आपको कोई भी कीमत कीमत क्या मतलब हो सकता है कि उस इंसान को आप दुखी नहीं करना चाहते थे लेकिन आने वाले वक्त में यानी सितंबर के महीने में आप कहेंगे आप जाने आपका काम जाने मुझे नहीं निभानी है इतनी ऐसी दोस्ती जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो ठीक है तो सितंबर का मंथ जो है आप अपने हिसाब से चलेंगे और खुश रहेंगे अपनी आत्मा को खुश रखेंगे मतलब जो आपकी आत्मा आपसे चाहती है आपकी जो होते हैं ना इंसान अपनी आत्मा को जो नहीं इंसान अपनी आत्मा को खुश रखता है वो किस को कि, खुश कि रखेगा तो सबसे पहले अपनी आत्मा को खुश रखिए यानी कि आप वो काम कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता है तो सितंबर के महीने में नंबर चार आप वो काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको सुकून मिलेगा फिर चाहे कोई आपसे खुश रहे ना रहे तो आप बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे और ये कहेंगे ऐसे इंसान हो जाएंगे चाहे आपके लिए मतलब कोई भी इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वो इंसान भी अगर आपको साथ छोड़ रहा है तो छोड़ दें ठीक है आप ऐसे तरीके से होंगे आप इसमें आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं और आप जो दिल कह रहा है वो करना चाहते हैं नंबर चार तो सितंबर का मंथ आपके लिए आंखें खोल देने वाला रहने वाला है तो और आप अपनी इच्छाओं को रखेंगे बिना डरे बिना हिचकिचाहट के आप जो चाहते हैं वो आप करेंगे फिर चाहे कोई खुश रहे चाहे नाराज़ रहे तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नंबर चार वालों के लिए दिखी ये सितंबर का मंथ जो है आपके लिए तो पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है लेकिन लोग आपसे नहीं खुश रहेंगे ये एक नेगेटिव चीज होगी बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा उम्मीद करते हैं कि आज की एनर्जी आपसे जरूर कनेक्ट हुई होगी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय फ्रेंड्स